अब सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से इस प्रकाशित वाक्य के स्टडी में। इस वक्त हम आए आ चुका है प्रकाशित 13 अध्याय। हालेलुया। इसके बारे में हम झलक सीखेंगे क्या है। जैसे मैंने कहा कि अब तक हमने यीशु मसीह जब दुल्हन को लेके गया, कलीसिया निकल गया यहाँ से, और हम देखते कि जब कलीसिया निकल गया उसके बाद 7 साल के क्लेश हम पढ़े उसके बारे में। तो हम आ गया 7 साल के मध्य में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखे कि जैसा क्लेश शुरू हो गया, 7 मोहरे खुल गए, यीशु ने खोला, और बहुत सारे विपत्तियां आ गया इस धरती पर। यीशु मसीह का क्रोध इस धरती पर बरसाया गया। फिर हम देखे कि 7 तरह की तुरिया 7 स्वर्गदूत ने फूका, उसके द्वारा भी, उसके माध्यम से भी बहुत सारे परमेश्वर के क्रोध इस धरती पर आए। हालेलुया। बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद अभी 7 कठोरा आना है परमेश्वर के क्रोध का, परंतु 7 कठोर नहीं आया अभी तक, क्योंकि हम एक इंटरवल में चला गया, और वो इंटरवल में हमें बहुत कुछ सीखा। अब हम प्रकाशित 12, अभी 12, 13, 14, 15 क्या है देखेंगे। ओके, राइट, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 13। आज का शीर्षक है क्रिस्त विरोधी शैतान का मसीहा। वो शैतान का मसीहा है, क्रिस्त विरोधी। पर जैसा परमेश्वर का मसीहा यीशु मसीह है, शैतान का मसीहा क्रिस्त विरोधी है। क्रिस्त विरोधी शैतान को आगे लेके आएंगे अपने काम करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रकाशित 13 वाक्य में हम जाएंगे, उसके 1 से 10। आज हम सिर्फ 1 से 10 पढ़ेंगे। ओके, पढ़िए। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। कितने सिंह थे? 10 सिंह, 7 सिर, 7 सिर, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा की बातें लिखे थे, नाम लिखे। और जो पशु मैंने देखा, हाँ, वो चीते की नाई था, चीते के नाई, उसके पाँव भालू के नाई, मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपने सामर्थ सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ओके। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। ओके। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ओके। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। ओके। और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। ओके। कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलिए और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीना तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके काम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी के पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गई, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान है वो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और निवास और विश्वास इसी में है। सर के पिता, धन्यवाद सुंदर समय के परमेश्वर, आप हमसे बातचीत कर हमारे हृदय और मन को खोल दे प्रभु, उस वचन को ग्रहण करने के लिए। ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य बातों को हमें सिखा रहे, कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु।
पवित्र आत्मा हमारे सबके ऊपर मंडर रहा है और उनके मन के आपको खोल दिया उस वचन को ग्रहण करने के लिए और आपसे बढ़कर आपके लिए अंतिम दिनों में काम करने के लिए बड़े खट्टी लाने के लिए आपके राज्य में प्रभु सभी को इस्तेमाल कर दो। आज के वचन से सबको आशीष कर परमेश्वर। सारे महिमा आदर आपको देता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमेन आमेन आमेन। ओके हम आएंगे। ओके हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाशित 3 अध्याय है, एक है 13, 14, 12, 13, 14। अभी प्रकाशित 12 पिछले बार जो हम सीखा उसमें क्या था, उसमें हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के उद्धार का प्लान है वो स्थापित होते हैं। हम किसके द्वारा स्थापित हो गया, स्त्री और बालक के द्वारा, बेटा के द्वारा। दूसरा जब 14 में आता है, 13 में आता है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि वो इस योजना के विरुद्ध जाता है। कौन जाता है इस परमेश्वर के उद्धार की योजना के विरुद्ध? शैतान, वो है अजगर और उसके 2 पशु। एक पशु समुद्र से पार आता है, एक पशु या जानवर पृथ्वी से निकल आता है। हालेलुया, ये क्या है? ये सब चिन्ह में भाषा है परंतु इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रकाशित 12, 13, 14 इसके राइटिंग थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे 12, 13, 14 में 14 में जब आते हैं वहां पर क्या लिखा है कि इस योजना को, उद्धार की योजना को परमेश्वर पूरा धरती में फैलाता है या घोषणा करता है। किसके द्वारा? 3 स्वर्गदूत को प्रभु भेजकर। वो हम अगला अध्याय में पढ़ेंगे, अभी हम 13वां अध्याय में आएंगे। ओके तो जैसे मतलब 12 क्या है, 12 परमेश्वर का उद्धार का योजना स्थापित होना स्त्री और बालक के द्वारा। दूसरा प्रकाश 13 जो आज हम पढ़ने वाला है कि इस योजना को टक्कर करना या उनको विरोध करना, कौन करेंगे विरोध? हम जानते हैं शैतान, उसके साथ साथ 2 और व्यक्ति जो है, जो जानवर है, जो पशु है, जो समुद्र से आने वाला पशु उसको बोलते हैं क्रिस्त विरोधी, और धरती पृथ्वी से निकलने वाला पशु या जानवर उसको बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी। ये तीनों परमेश्वर की योजना को रोकेंगे, मैन अपोज करेंगे, विरुद्ध जाएंगे। फिर हम 14 अध्याय में जब आते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर, अगला अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर हार नहीं मानते हैं, परमेश्वर पूरा विश्व पर अपने वचन को घोषणा करते हैं। किसके द्वारा? 3 स्वर्गदूत को प्रभु आजाद करेंगे। जितना मनुष्य नहीं करते वो लोग भी अभी स्वर्गदूत को भी प्रभु आजाद करते ताकि कोई भी नाश ना हो, सब अनंत काल जीवन पाए। हमारा परमेश्वर महान और तरस करने वाला दयालु कृपालु परमेश्वर है, इससे प्रभु अपने सुसमाचार बार बार लोगों तक पहुंचाते ताकि कोई ना कोई मन फिरा के प्रभु के पास आए। हालेलुया। ओके आगे हम जाएंगे। अभी आप सबको मालूम है त्रिएक परमेश्वर, ये त्रिएक पवित्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर ऊपर, उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। जैसा ये शुद्ध या पवित्र त्रिएक परमेश्वर वैसा ही अशुद्ध त्रिएक त्रिएक है जो परमेश्वर नहीं है, त्रिएक है वो दुष्टता के, दुष्टता या दुष्ट आत्मा का त्रिएक, शैतान का त्रिएक है वो है उसके ऊपर। जैसा परमेश्वर वैसा ही अजगर या शैतान, और दूसरा में पशु है, दूसरा पशु है जो समुद्र से बाहर आता है उसको बोलते हैं क्रिस्त विरोधी, तीसरा पशु है जो पृथ्वी से बाहर निकलता है वो है झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी। ये तीनों मिलकर पूरा दुनिया को राज भ्रम करने के लिए, राज करने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। ओके हम आगे देखेंगे। अभी प्रकाशित 13 हम 2 भाग में हम जो पढ़ने वाला है, 1 से 18 वाक्य है ये प्रकाशित वाक्य में। कितना वाक्य है? 1 से 18। अभी 1 से 10 जो है वो किसके बारे में वर्णन किया है? क्रिस्त विरोधी के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्त विरोधी के बारे में। 1 से 10 जो आज हम लेने वाले, अगला बुधवार हम लेंगे 11 से 18 जो झूठे नबी के बारे में जिक्र किया है और शैतान के छाप छे 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 उसके बारे में जिक्र किया, जो अगला बुधवार हम सीखे। आज सिर्फ पहला भाग लेंगे प्रकाशित 13, 1 से 10। किसके बारे में सिखाते हैं आज? क्रिस्त विरोधी या शैतान के मसीहा। ओके तो हम देखते हैं यहाँ पर, और हालेलुया, और शैतान क्या करेंगे, ये शैतान परमेश्वर के राज के विरोध करेंगे या युद्ध करेंगे। किसके द्वारा? 2
नेता को, दो विश्व नेता को वो खड़ा करेंगे। एक है राजनीति नेता, दूसरा है धार्मिक नेता। हालेलुया। राजनीति नेता कौन है, कौन बताएंगे? क्रिस्त विरोधी, राइट। और धार्मिक नेता कौन है? झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्त। ये लोग सब सीन में आएंगे, पिक्चर में आएंगे। हालेलुया। ये पूरा इस दुनिया को और दुष्ट और भ्रष्ट करने के लिए। हालेलुया। तो ये दोनों नेता के द्वारा शैतान अपना चाल षड्यंत्र शुरू करेंगे इस दुनिया में। ओके, आगे। तो आज जैसा मैंने बोला, पहला भाग में हम प्रवेश करेंगे प्रकाशित वाक्य 13:1-10, जो क्रिस्त विरोधी या शैतान के मसीहा जो कहलाता है, उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। यस, देखो ये रेवलेशन ज्यादातर चिन्ह से बातचीत करते हैं हमसे, साइंस। हालेलुया। आप सोचिए पशु को ने बापरे इतने सारे सर, इतने सी, क्या है इसके मतलब? आज हम सीखेंगे, बहुत आसान है, ऐसे कोई कंफ्यूजन या गड़बड़ी नहीं है। आप आसानी से सीखेंगे, आपको सीखता है ये क्या है। हालेलुया। आगे हम जाएंगे प्रकाशित। इसके पहले थोड़ा हम इस जानवर के बारे में हम एक पिक्चर देखेंगे। ओके, जैसा मैंने कहा, ये पशु कहाँ से आता है? ये पशु समुद्र के अंदर से बाहर आता है, और उसका कितना सर है? 7 सर है और 10 सिंह है, और उस 10 सिंह के ऊपर 10 राजमुकुट है, मुकुट है। हालेलुया। और गरजते हुए आता है, और वो भालू के ऊपर कौन खड़ा है उसको आमंत्रण करते हुए, आज्ञा देते हुए, आगे आओ? शैतान अजगर खड़ा है, वो बोलते मेरा मसीहा आओ बाहर और मेरे लिए लड़ाई करो, इस स्त्री के शेष संतान के ऊपर लड़ाई कर। तो बुलाता है इस पानी के ओर से, शैतान या अजगर उसको बुलाता है। अब ये कौन है? ये पशु 7 सर के लेके, और ये कौन है? परमेश्वर को बच्चा में सिखाते वो क्रिस्त विरोधी है। देखो यहाँ पर वो जो खड़ा है वो ऐसा एक आदमी होगा, जैसे पहला सिक्का जब खोलेंगे वो आदमी, वो सवारी जो 7 श्वेत घोड़े में आएंगे। हालेलुया। एक क्या बोलते हैं, एक धनुष पकड़कर शांति शांति बोलकर, उस वो क्रिस्त विरोधी है जो सबको इतना भरमाएंगे, लोग बोले वाह ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हो सके, हीरो है ये, हमारा मसीहा है। तो शैतान उसको ऐसा बना देंगे, सब उसके सामने घुटने टिकेंगे, जिधर भी जाएंगे वो शैतान ऐसा करेंगे, वो टेक्नोलॉजी से सब जगह उसका आवाज पहुंचेंगे। कोई हॉस्पिटल में जाएंगे पूरा वेलकम वेलकम सायरी आओ, या आप लोग नहीं रहेंगे सॉरी, तो जो भी है उनका नाम लेके वो पुकारेंगे। हालेलुया। सब जगह उसका चेहरा रहेंगे, उसके प्रतिमा रहेंगे, इतना वो सबको आकर्षित करेंगे, लोग उसके धुन में जाएंगे, ऐसा आदमी रहेंगे, उसके बातचीत करने का ढंग सब कुछ इतना सुंदर रहेंगे। और वो वार करेंगे किसके ऊपर? जो लोग उसके विरुद्ध जाते हैं, उसका मतलब मसीह के लोग और यहूदी लोग जो उसका आराधना या पूजा नहीं करेंगे उसके विरुद्ध हो जाएंगे। इतने सारे पूरा अखा दुनिया उसका आराधना करेंगे, दंडवत करेंगे, पूरा टेक्नोलॉजी उसका प्रशंसा करेंगे, मीडिया सब उसका प्रशंसा करेंगे। ऐसा आदमी कभी आप इस दुनिया में देखा नहीं, ऐसा आदमी आएंगे, बहुत सारे संकट के या प्रश्न का हल इसके हाथ में रहेंगे, बहुत ही कैरिस्मेटिक, बहुत ही सुंदर दिखने वाला। ऐसे नहीं कि शैतान ऐसा 2 सिंह लेके आएंगे, वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला, बहुत ही अजूबा व्यक्ति रहेंगे। हालेलुया। ओके, हम देखेंगे अभी क्रिस्त विरोधी के बारे में। अभी हम जब पढ़ेंगे, हम क्रिस्त विरोधी का 6 मुख्य बातें हम सीखेंगे आज। तो हम सीखने वाले 13:1-10, वो 6 मुख्य बातें क्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट के बारे में आज हम सीखेंगे। ये 6 मुख्य बातें क्या है? पहला हम सीखेंगे उसका दुष्टता। सबसे दुष्ट व्यक्ति इस धरती पर जो होने वाला है वो रहेगा क्रिस्त विरोधी। पर उसका बेश पहला कैसा रहेगा? कितना हैंडसम, क्या कैरिश्मा लेके चलता है, क्या पर्सनैलिटी है उसका, जैसे और कोई नहीं। बात करने के ढंग, उसका शैली, सब सबको आकर्षित करेंगे। ऐसा व्यक्ति बनकर वो इस पृथ्वी के सीन में आएंगे। हालेलुया। तो पहला उसका दुष्टता का बारे में हम सीखेंगे। दूसरा, वो दुष्टता का बारे में प्रकाशित 13:1-2 में है, और दूसरा है विश्व का प्रभुत्व, वर्ल्ड डोमिनियन।
वर्ल्ड डोमिनियन में भी प्रकाशित 13:1-2 में है, वो पूरा कैसे वो भ्रम करेंगे पूरा धरती के पर। तीसरा अद्भुत, वो ऐसा चीज करेंगे कि लोग अद्भुत रहेंगे, अचूबा रहेंगे, प्रकाशित वाक्य 13:3 में हम पढ़ेंगे। फिर जब प्रकाशित 13:4 में आते हैं, वहां पर क्या दर्शाता है, लोग उसके आराधना कर रहे हैं। 4 और 8 में हम कैसा ये लोग शैतान की पूजा करने वाला आराधना, क्योंकि वो अच्छा लगता है उसको, लोग उसका आराधना करते हुए। फिर हम बाद में हम देखेंगे 5वां कैसा शैतान निंदा करने वाला, निंदा के शब्द इस्तेमाल करके वो निंदा करेंगे, वो हम सीखेंगे प्रकाशित 13:5 और 6। आखिरी में हम सीखेंगे शैतान कैसा युद्ध करने वाला है मैं विश्वासी और यहूदी के ऊपर, वो है प्रकाशित 13:7 और 10। तो ऐसा 1 से 10 हम इस रूप में सीखेंगे। तो पहला क्या हम सीखेंगे, शैतान का दुष्टता, क्रिस्त विरोधी का, शैतान नहीं क्रिस्त विरोधी का दुष्टता। अभी शैतान सीन में नहीं है, पर वो अपना कठपुतली को आगे लेके आ रहे हैं मसीहा को, उसका नाम है क्रिस्त विरोधी, क्रिस्त विरोधी का दुष्टता, क्रिस्त विरोधी का सारे विश्व का प्रभुत्व कैसा करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। तीसरा क्रिस्त विरोधी कैसा अद्भुत अद्भुत अचूबा अचूमत चीज करेंगे कि लोग को आकर्षित करने के लिए उसकी ओर, और इसके वजह से चौथा लोग उसका आराधना करने लगेंगे क्रिस्त विरोधी का। 5वां हम सीखेंगे कैसा क्रिस्त विरोधी निंदा के शब्द लेकर परमेश्वर का निंदा करने वाला है, लोग का निंदा करने वाला है। और 6वां कैसा क्रिस्त विरोधी अपने चाल चलाकर सारे विश्वासी लोगों को मार डालने वाला है। ओके, पढ़ेंगे प्रकाशित 13:1 और 2। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। कहां से निकल रहा है वो पहला पशु, समुद्र, बोलिए मेरे साथ, समुद्र से निकलने वाला पशु, समुद्र से निकलने वाला पशु वो कौन है, कौन बताए मैं, क्रिस्त विरोधी, सब बोलिए क्रिस्त विरोधी। ओके, तो समुद्र से निकलने वाला पशु देख किसने देखा, योना ने देखा। योना कहां पर प्रभु ने उसको लेके आया, एक किनारा एक बालू के ऊपर खड़ा है। ओके, जिसके 10 सिंह, किसके क्या कितने सिंह थे, 10 सिंह थे, और सात सिर थे, और उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट थे, और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए फिरते थे। ओके ओके, बस अभी मुझे ये बताना है कि ये प्रकाशित वाक्य 13:1 प्रकाशित वाक्य 12 का आखिरी वचन से दोनों ताल मिलता है। क्यों, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 12:17 आखिरी वचन, पिछले अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, वो सब कंटिन्यूटी है, सब चालू और चल मीन साथ साथ चलने वाला वचन है। ओके, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, ओम ने हाँ ओके, अजगर स्त्री पर, अजगर कौन है, शैतान स्त्री मानी इज़राइल के लोग के ऊपर क्रोधित हुआ, और उसके शेष संतान से, अभी वो जब शैतान जान गया कि वो इज़राइल लोग को पकड़ नहीं सकते, वो क्या करते है, उनको छोड़कर वो विश्वासी के विरुद्ध जाते हैं, या 144,000 शेष स्त्री का शेष संतान की ओर लड़ने के लिए वो प्रवेश करता है। ओके, इसके लिए वो क्या करते हैं, क्या योजना करते हैं उनके साथ लड़ाई करने के लिए, वो समुद्र के बालू पर जाकर, समुद्र के बालू पर जाके खड़ा हुआ। यस, अभी आप मुझे बताओ अजगर या शैतान क्यों बालू पर खड़ा हुआ था, कौन बताएंगे, अजगर या शैतान क्यों बालू पर खड़ा हुआ था, जैसा हमने पढ़ा प्रकाशित 13:1 में क्या पढ़ा वहां पर, कि शैतान क्यों खड़ा था, वो बालू की ओर से, समुद्र की ओर से बुला रहा था, किसको बुला रहा था, पशु या जानवर जो समुद्र के ओर से बाहर निकलने वाले। हालेलुया, अभी समुद्र क्या दर्शाता है, यशाया 17 में लिखा है कि समुद्र मानव जाति को का प्रतीक है, उसका मतलब क्रिस्त विरोधी सारे एक मानव जाति से ही बाहर आएंगे। हालेलुया, वो कोई क्या बोलते हैं, शैतान से नहीं आएंगे, वो मानव जाति या पृथ्वी से आएंगे, वो मानव जाति से आएंगे, उसका मतलब है अभी क्रिस्त विरोधी किधर को है,
उसका जन्म हुआ है, शायद वो एक जवान लड़का किधर तो है पर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वो मानव जाति से ही बाहर आएंगे। उसका जन्म हुआ है, वो बड़ा हो गया है, उसको मालूम है उसका एक मकसद है, शैतान ने उसके अंदर मकसद डाला है। तो ये क्रिस्त विरोधी किधर से आता है, समुद्र का मतलब क्या दर्शाता है, मानव जाति से बाहर आता है, कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी फ्रॉम द मैनकाइंड। ओके, अजगर क्यों बालू पर खड़ा था? अजगर इसलिए बालू पर खड़ा था, शैतान इंतजार कर रहा था कि इस पशु को आमंत्रण दिया था, आज्ञा दे चल बाहर निकल, बाहर आ, तो सारे मानव जाति के बीच में से शैतान एक व्यक्ति को चुनेंगे, क्रिस्त विरोधी होगा, वो बाहर निकालेंगे उसको, चल अभी तू मेरा प्रतीक है इस दुनिया में, तू मेरा मसीहा है मेरी दुनिया में, तू जाकर सारे कास्ट और ये जो लोग यीशु का पूजा करता है या इज़राइल के शेष शैतान संतान, तो यहूदी लोग और मसीह लोग उनको वार कर, उनको लड़ाई करके उनको मार डाल, में इनको इन लोगों से घृणा करते हैं, शैतान आप और हमसे घृणा करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सब नष्ट हो जाए, इससे आपको तंग करते हैं बार बार, आपके आपके अंदर आकर ऐसे से बातचीत डालते हैं आपको हराने के लिए, आपके परिवार के ऊपर वार करता है, आपको शरीर में बीमारी देता है, पीड़ा करता है, आपके पैसे को चुराता है, पर बताओ शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर का लाडला है, लाडली है, आप बहुत पास है यीशु मसीह के लिए, इसे डर मत, वो पशु वो जानवर वो शैतान का मसीहा आपको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये क्रिस्त विरोधी के बारे में हम सीखेंगे। अब ये व्यक्ति जो है जिसका जो ऐसा दिखता है, पर बाइबल ने ऐसा उसके प्रतीक इस तरह दिखाया, चिन्ह दिखाया है, वो कैसा है? उसका सात सर है, उसका सात सर है, 10 सिंह है और 10 मुकुट है। क्या है ये? हालेलुया। उसका मतलब सात सर के मतलब सात साम्राज्य जिसे इज़राइल लोग को सताया था। आप एक साम्राज्य को मुझे बता सकते हैं जो इज़राइल लोग को सताया? कौन सा साम्राज्य रहेगा? पहला साम्राज्य कौन होगा? चैट कीजिए, यस चैट में लिखिए आपके अनुसार वो कौन सा पहला साम्राज्य था जो इज़राइल लोग को सताया। आपको मालूम है हम बहुत समय बाइबल में पढ़ता है किस कौन सा जाति ने आकर इज़राइल लोग के ऊपर सताया, या आज किसने लिखा है? आती ने लिखा है मिस्राय, वेरी गुड। और किसने लिखा है? जोदा साल का ग्राम के लिए, यस अमलकाइट्स, नो ओके, एनीवे रितिका के लिए भी ताली बजाइए, समारिया समारिया भी नहीं है, ओके ओके, करेक्ट उत्तर क्या है? इस्राएल लोग। आपको याद है जब मूसा के समय में ये साम्राज्य इस्राएल लोग फैरो के द्वारा कैसे इस्राएल लोगों को सताया? तो सात साम्राज्य है जो इस्राएल लोगों को सताते। पहला है फैरो या इस्राएल, दूसरा है असीरिया, असीरिया लोग ने भी इस्राएल लोगों को बहुत सताया। शैतान इनको लोगों को भटकाते हैं विश्वासी लोग के विरुद्ध जाने के लिए। हालेलुया। तीसरा है बेबीलोन। आपको याद है कैसा बेबीलोन लोग आकर बार किया इसराइल के लोग के ऊपर और लोगों को बंदी कर, डैनियल एसरा ने मैं को लेके गया, कहां पर लेके गया? बेबीलोन में लेके गया। हालेलुया। उधर वो लोग का सेवा, वो लोग सेवा कर रहा था। हालेलुया। तो तीसरा है बेबीलोन, फिर है ग्रीक ग्रीस, हालेलुया, और फिर है पर्शिया या ईरान, यहां से किंग साइरस, साइरस राजा आता है, उनको मीन्स उनको बंदीगर में रखा है। सो और फिर आखिरी में हम देखते हैं कि पांचवा वाला छठवा वाला कौन सा है? छठवा साम्राज्य है रोमालिया, रोमन एम्पायर, रोमन का साम्राज्य। और ये सारा सात किसको दर्शाते हैं? सात सिंह सिर। सात सिर क्या है? सात साम्राज्य जो इज़राइल लोग के विरुद्ध आए, हालेलुया, और मसीह के विरुद्ध आए। मसीह के विरुद्ध कौन आया? रोमालिया साम्राज्य, जो आखिरी साम्राज्य था। ये छह जो है, सात में से छह जो है, जो मैंने बोला,
क्या था चे का नाम, मिस्राइम इजिप्ट, दूसरा असीरिया, तीसरा बेबीलोन, चौथा ग्रीक ग्रीस, पांचवा पर्शिया या ईरान, छठवा रोमालिया साम्राज्य। ये छह भूतकाल का साम्राज्य है जो यहूदी लोग और मसीहों को सताया। ओके, अभी आगे एक और साम्राज्य या सातवां साम्राज्य आने वाला है। वो कभी आएंगे? 7 साल के क्लेश। वो कौन रहेगा? वो रहेगा क्रिस्त विरोधी और उसका साम्राज्य। हालेलुया। तो ये 7 साम्राज्य। सो योना ने क्या देखा? उस समुद्र से कौन आ रहा था? एक बड़ा जानवर, उसके 7 सिर था, 7 सिर, और उसके ऊपर 10 सिंह, और 7 सिंह के ऊपर 10 सिंह के ऊपर 10 राजपुत्र। तो हमने देखा 7 सिर क्या है? 7 वो साम्राज्य जो इज़राइल लोग को या मसीह लोग को तंग करते थे या सताते थे, क्योंकि वो सब परमेश्वर का लाडला है, परमेश्वर का बहुत ही खास बच्चे है। इज़राइल लोग परमेश्वर का शारीरिक बच्चे है, मसीह लोग परमेश्वर का आत्मिक बच्चे है। इन दोनों से शैतान घृणा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का खास लोग है। क्या आप परमेश्वर का खास व्यक्ति है? डरो मत, शैतान आपका विरोध है, पर परमेश्वर में आप जयवन से भी बढ़कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम देखेंगे 10 राज्य क्या है। जैसे मैंने बोला 6 साम्राज्य जितना हुआ है, अभी जो आने वाला है वो एक जो आने वाला है वो होगा क्रिस्त विरोधी का राज्य। आपको मालूम है ये राज्य कौन सा रहेगा जो आने वाला है? कौन बताएंगे चैट में, कौन सा राज्य रहेंगे? 7वां राज्य। जो मसीह लोग को सताने वाले, यहूदी लोग को सताने में कौन सा राज्य रहेंगे? ओके, उसका वो है जैसे मतलब 7वां कौन सा था? रोमालिया राज्य। वो मर गया, तभी वापस वो जागृत होंगे, जिंदा होंगे, उसको बोलते हैं 7वां जागृत रोमालिया साम्राज्य। द रिवाइव्ड रोमन एम्पायर विल बी द लास्ट वन, वो आखिरी साम्राज्य रहेंगे जो शैतान या क्रिस्त विरोधी उसके ऊपर राज करेंगे, और शैतान या क्रिस्त विरोधी विश्वासी और यहूदी लोगों को सताएंगे और उनको नाश करेंगे। हालेलुया। तो ये साम्राज्य कभी आएंगे? ये 7 साल के क्लेश में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखते कि आप सोचे और यस, और साल ये 10 मुकुट कौन सा है? 10 मुकुट वो 10 राजा है। हालेलुया, 10 राजा जो ये 10 में, जैसे मैंने बोला अभी आने वाला जो शैतान क्रिस्त विरोधी का राज्य किससे बनता है मालूम है? ये बाइबल कहते हैं कि ये पूरा दुनिया अभी होने वाला है, 10 विश्व क्षेत्र में विभागा जाएंगे और उसमें से 10 राजा रहेंगे। ये 10 राजा या यूरोपियन, अभी ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, उसको बोलते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशन बोल के एक ग्रुप है। ऑलरेडी वो लोग मिल रहे हैं और शैतान क्रिस्त विरोधी का तैयारी के लिए वो लोग सब तैयारी किया है। हालेलुया, जैसे मैंने बोले विश्व 10 विभाग में विभाए जाएंगे, जो 10 राज्य 10 लीडर्स लेके उनके ऊपर ये पूरा 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व, ये 10 लोग कंट्रोल करेंगे और ये 10 लोग क्रिस्त विरोधी के अंदर एक कठपुतली के समान रहेंगे। उसके पूरा अथॉरिटी, अधिकार और पावर किसको देंगे? वो शैतान या क्रिस्त विरोधी को देंगे। हम पढ़ेंगे इसके लिए प्रकाशित 17:12। और जो 10 सिंह तूने जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा है जिन्होंने, कौन है 10 सिंह? 10 राजा है। Okay. जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, मुझे अभी राज्य बात करने वाला है। हाँ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, वो पशु के साथ, पशु कौन है? क्रिस्त विरोधी के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाए, राजाओं सा अधिकार, ये लोग सब पाएंगे अधिकार क्रिस्त विरोधी के द्वारा, और वे सब एक मन होंगे। हाँ, वो क्रिस्त विरोधी के साथ एक मन होंगे, इतना पावरफुल उनका एकता रहेंगे, और वे अपने अपने सामर्थ और अधिकार, अपने अपने सामर्थ, दुनिया के चलाने वाले सामर्थ
और अधिकार उस पशु को देंगे। क्रिस्तु विरोधी पशु कौन है? क्रिस्तु विरोधी के देंगे, क्रिस्तु विरोधी सेंटर में मध्य में आके राज करेंगे और उनके साथ संपर्क में रहेंगे। पूरा वर्ल्ड को वो लोग कंट्रोल करेंगे। 10 राज्य 10 लोग, हालेलुया, 10 लीडर लोग क्रिस्तु विरोधी के साथ पूरा विश्व को कंट्रोल करेंगे। इससे हम बोलते हैं एक विश्व वर्ल्ड और वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। विश्व सरकार और उसका मुख्य सरकार कौन रहेंगे, उसके ऊपर कौन राज करेंगे? क्रिस्तु विरोधी। तो पूरा कंट्रोल में अभी पूरा चल रहा है। एक कॉर्नर वाले सिर्फ एक डोंगीपन है, वो सब उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। वो पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। आप लोग को घर में बिठाया क्योंकि बाहर बहुत सारा अरेंजमेंट हो रहा है, बहुत सारा कैमरा फिक्स हो रहा है। आपको कुछ मालूम नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्यों लोगों को बंद करके रखा है। बहुत सारा कैमरा फिक्स हो रहा है और बहुत सारा क्या बोलते हैं वाईफाई वगैरह फिक्स करते हैं, 5G, बहुत सारा चीज, ताकि आप लोग क्रिस्तु आने के बाद जो इधर छुटा है उनका मॉनिटर करेंगे। कैमरा क्यों फिक्स करे बाहर सब, क्यों वाईफाई सब करे, आपको मॉनिटर करें कहाँ पर व्यक्ति है, आपको दूर निकालेंगे। ये सब अरेंजमेंट बाहर चल रहा है। आपको कुछ मालूम है, आप सोच रहे कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अंदर है। ये सब प्लानिंग है, पूरा चीज प्लान किया शैतान ने। बहुत ही चालाक, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है क्रिस्तु शैतान के साथ जो काम करने वाला है। शैतान का मसीह क्रिस्तु बहुत चालाक है, इसे हमको उससे ज्यादा चालाक होना है। इसे परमेश्वर बोला कि क्या बोलते हैं, कबूतर के नाई निष्कलन पर सांप की तरह चालाक। मैं ईमान लेना चाहिए, हालेलुया। इस दुनिया के लोग कितने चालाक है, विश्वासी लोग, हमको चालाक होना है, हालेलुया, ताकि लोग फायदा ना उठाए, शैतान आपके ऊपर भ्रम ना करे। यस। और जो पशु मैंने देखा, हाँ, जो पशु मैंने देखा वचन दो, अभी यहाँ पर 3 तरह के पशु क्या बोलते हैं, प्राणी का विवरण लिखा है। ये पशु के बारे में 3 विवरण है, क्या क्या है? उस पशु मैंने देखा, क्रिस्तु जो मैं देखा वो चीते की नाई था, वो चीते की नाई, मुझे लेपर्ड के नाई था। और लेपर्ड के अपने शरीर के, लेपर्ड के शरीर में क्या होता है, नाग रहते हैं, हालेलुया, ओके, चीते के नाई और उसके पाव भालू, उसका शरीर चीते के नाई पर उसके पाव भालू के, भालू को देखा है, काला सा भालू, हाँ हाँ, भालू के नाई, उसका मुंह सिंह का साथ, उसके मुंह सिंह का साथ था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, हाँ, अजगर पीछे से, अजगर शैतान क्रिस्तु को अपना सामर्थ दे रहे, अपना राज्य दे रहे, उसको अधिकार दे रहे, जो कुछ अधिकार उसको मिला है तो पृथ्वी पर राज करने के, वो सब देखो पीछे आप देख सकते हैं, अजगर उधर खड़ा है और आगे क्रिस्तु विरोधी खड़ा है, पशु समुद्र से निकलने वाला पशु खड़ा है। उसको सारा पावर किधर से मिलता है, इस अजगर, इस पशु को क्रिस्तु विरोधी से मिलता है, यानी शैतान से मिलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओके, आगे हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुका 7 सर क्या है, 10 सींग क्या है, 10 मुकुट क्या है। अभी हम देखेंगे 3 विवरण उसके शरीर के बाघ के बारे में। पहला, उसका शरीर जो है वो कैसे है, चित्ते के समान, चीता के समान या लेपर्ड। इसको क्या दर्शाते हैं, ग्रीस, जैसे मैंने बोला 7 साम्राज्य था जिसने यहूदी लोगों को सताया या विश्वासी लोगों को बाद में सताया, तो ग्रीस, तो ये जो क्रिस्तु विरोधी है वो पूरा दुष्टता का समूह है। जितने अभी तक दुष्ट लोग क्रिस्तु विरोधी आए छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा क्रिस्तु विरोधी अभी आ रहा है, हालेलुया। ये लोग सब छोटे छोटे थे, हालेलुया, फैरो होने दो या बेबीलोन के नेबूकदनेस्सर होने दो या साइरस, जो भी आया अभी तक, हालेलुया, वो सब छोटे छोटे क्रिस्तु विरोधी थे। पर इन सब का दुष्टता सब मिलकर, ये सारा गुण किसके अंदर है, क्रिस्तु विरोधी, सबसे दुष्ट आदमी क्रिस्तु विरोधी होंगे। उसके अंदर ग्रीस के तरह, चीता की तरह उसका चारा क्या बोलते हैं, वो बहुत झपट करने वाला, जल्दी काम करने वाला, तुरंत चार, चीता कैसा है, जल्दी झपट देता है, उसे ही वो क्रिस्तु विरोधी जल्दी जल्दी काम करेंगे, 1 मिनट में उसका निर्णय लेंगे, हालेलुया, ऐसा बहुत पावरफुल रहेंगे। दूसरा, वो एक बालू की तरह बहुत स्ट्रांग रहेंगे। वो काम किसको दर्शाते हैं, पर्शिया या ईरान के फौजी को दर्शाते हैं, जो इतना स्ट्रांग रहते हैं हर वक्त। बालू की तरह थोड़ा वो लोग स्लो है परंतु बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्रिस्तु विरोधी वैसा ही स्ट्रांग है। उसके पाव एक बालू के जैसा था, फिर उसके मुंह सींग के तरह था, शेर के तरह या लायन के तरह। इसको क्या दर्शाते हैं, बेबीलोन,
जो नेबुकदनेस्सर अनेक राजा आए थे, डेरस राजा, ये लोग सब कैसे थे, सिंह की तरह बहुत ही फिरोशियस, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही भयंकर। हालेलुया। तो क्रिस्तुवेदी कैसा रहेंगे, क्रिस्तुवेदी बहुत ही भयंकर रहेंगे, जहरीला रहेंगे। हालेलुया। और बहुत ही वाइल्ड 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 को क्या बोलते हैं, जंगली रहेंगे। आमेन। वो दिखने में बहुत ही शांति रहेंगे, बहुत ऐसा कि सब आराम से रहेंगे, और उसके अंदर क्या रहेगा, दुष्टता से भरा हुआ, क्योंकि इस जितने साम्राज्य थे वो सब कुल मिलकर इस सबका गुण क्रिस्तु के अंदर कूट कूट के डाला है। हालेलुया। जितने साम्राज्य थे अभी तक, 7 साम्राज्य है, 6 साम्राज्य का सारा गुण इस क्रिस्तु विरोधी के अंदर शैतान डाल देते हैं। तो सोचो कितना कितना क्रूरता से वो व्यक्ति है, कितना भयंकर और दुष्ट व्यक्ति है क्रिस्तु विरोधी। हालेलुया। पर सब उसके चालाकी में ऐसा आकर्षित होंगे, ऐसा वो फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। हालेलुया। जो भी क्रिस्तु विरोधी बोलेंगे वैसे ही करेंगे। हालेलुया। वो ना दाएं ना बाएं, पर वैसे ही करेंगे। तो उसके धुन में रहेंगे लोग। हाँ, कितना बड़ा हीरो, अभी हमारा विश्व में शांति शांति ने, कितना अच्छा आदमी आया, पूरा वर्ल्ड में क्या अच्छा निर्णय लेता है, हमको सबको सुरक्षित रखता है, कितना अच्छा से हमें रखता है, कितना अच्छा है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला, वो बालू कौन है, पर्शिया ईरान के लिए। हालेलुया। वो सिंह कौन है, बेबीलोन। हालेलुया। और वो चीता कौन है, चीता कौन है, ग्रीस। हालेलुया। और आने वाला जो दुष्टात्मा है वो रोम। हालेलुया। ये सबसे यौनान को परमेश्वर ये सारे चिन्ह दिखाते हैं इसको दर्शाने के लिए, वो कैसा आदमी रहेंगे, इतना दुष्ट, इतना चपड़ने वाला, जल्दी जल्दी निर्णय लेने वाला, लोगों को सताने वाला, और कितना जहरीली रहेगा, कितना जानवर जैसा वो रहेंगे, जंगली रहेंगे। हालेलुया। तो ये सब उसका चरित्र को दर्शाते हैं। अभी उसका दुष्टता, जैसे मैंने बोला 6 चरित्र चीजें हम सीखने वाले कृषि विरोधी, अभी दुष्टता में जाएंगे। कृषि विरोधी का दुष्टता, इसके बारे में क्या है, पहला उसका सोर्स, क्यों वो दुष्ट है, क्यों वो दुष्ट है, क्योंकि उसका स्रोत कौन है, उसका स्रोत शैतान है। क्यों वो दुष्ट है, क्यों कृषि विरोधी दुष्ट है, क्योंकि उसका स्रोत कौन है, शैतान। हम लोग क्यों अच्छे है, भला है, दूसरों का भला करते हैं, और क्योंकि हमारा स्रोत परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उसका उसका प्रेम, उसका आनंद, उसका शांति हमारे ओर से बहता है। हालेलुया। तो स्रोत का अनुसार, जहां पर जड़ वहां पर फल। मैं आपका जड़ किधर है, क्या दुष्टता में, शैतान के अंदर है, फिर आपका फल दुष्टता से बाहर निकलेगी। पर अगर आपका जड़ परमेश्वर में, आपका फल परमेश्वर के नव फल से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रिस्त विरोधी का स्रोत शैतान है, अजगर, जो उसको प्रेरणा देते हैं, वो पूरा पोजेस्ड है। ऐसा आपने देखा, लोग जब दुष्ट आत्मा से भरा है, वो लोग कैसा फिरते हैं, नाचते हैं, अपने आप को खाते हैं, दूसरों को भी मारता है, वो बलवा करते, गाली देता है, गुस्सा होते, सबके ऊपर गाली देते, सबको मारते हैं। क्या है ये, क्योंकि वो लोग शैतान से झगड़ा हुआ है, ट्रैप हो गया, पोजेस्ड हो गया। उसी तरह ये क्रिस्तु विरोधी पूरा तरह से शैतान उसको कब्जा किया व्यक्ति, उसके अंदर शैतान रहता है, शैतान को नियंत्रण करते, कंट्रोल करते, इंजीनियरिंग करते, ऐसा व्यक्ति रहेगी क्रिस्तु विरोधी। वो शैतान के हाथ में कठपुतली है, वो एक साधन है। हालेलुया। और वो शैतान का एजेंट है, और शैतान का मसीहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह है, वैसे ये व्यक्ति, ये क्रिस्तु विरोधी चाहते हैं कि वो यीशु मसीह की तरह बनने के लिए सब यीशु मसीह का आराधना करें, वो भी बोले मेरा अरब की आराधना करो, जैसे यीशु मसीह है वैसे वो बनने की कोशिश करेंगे, सब शांति शांति, लोगों को चंगा करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को फंसा देंगे उसके मीठी मीठी बातों से, उसके कैरिश्मा पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी रहेंगे उसको, ऐसे नहीं दिखेंगे कि वो दो सिंह वाला, पर वो क्या पर्सनैलिटी से बाहर आएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसा रहेगा, बहुत ही लोग दंगित रहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में। हालेलुया। और आगे, और जैसे मैंने बोला, समुद्र क्या है, लोग को दर्शाते हैं, समुद्र से बाहर आते हैं। आपको याद है
देखो यहाँ पर हम 13 अध्याय में आए, पर आपको याद है प्रकाशित 6 वाक्य में, 6 अध्याय में हमने क्या किया? तभी हमने सीखा प्रकाश जैसा क्लेश शुरू होने वाला है, पहला मोहर खोलेंगे, पहला मोहर खोला तो कौन आया वहां पर? सफेद घोड़ा में कौन आया? सफेद घोड़ा में एक सवारी आया, इसका मतलब वो कौन था? क्रिस्त विरोधी आया। देखो वो क्रिस्त विरोधी 7 साल के प्लान लेके आया है, अमेन। वो पहला 3 साल बहुत ही बहुत अच्छा व्यक्ति, सब उसको हीरो मन, पर वो ये 7 साल के मध्य में वो क्या करेंगे? वो अपने आप को वो जाके मंदिर में जाके बैठेंगे, बोले मैं परमेश्वर, मेरी आराधना कर, और लोग भटका भटका जाएंगे, हाँ यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, परंतु यहूदी लोग और मसीह लोग नहीं मानेंगे, उसका पीछे नहीं जाएंगे, तभी उन लोग को सताएंगे। हालेलुया। इसलिए 13 अध्याय में जब आते हैं, वो है मध्य में, उसका सही रूप जो पशु जो समुद्र, वो पशु है, वो जानवर है, वो जहरीला है, वो दुष्ट है, उसका सही नहीं चरित्र, तभी वहां पर प्रकट होएंगे प्रकाश वाक्य 13 जो 7 साल के मध्य में आता है। ओके आगे अभी हम देखेंगे, पहले क्या क्या क्रिस्त विरोधी का दुष्टता, अभी हम जाएंगे क्रिस्त विरोधी का विश्व भर के क्या बोलते हैं कंट्रोल, वर्ल्ड डोमिनेंस जो बोलते हैं, विश्व का प्रभुत्व कैसा वो करेंगे। हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य में 13:7 लिखा है, आगे भी हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखते हैं सारे कुल के ऊपर, सारे लोग के ऊपर, सारा भाषा के ऊपर, जाति पर वो अधिकार जमाएंगे। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेंगे, ये विश्वासी और यहूदी के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेंगे जो शैतान का सलाम नहीं करेंगे, उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे, सब उसका पीछे पीछे जाएंगे, और इससे सब उसका चापा भी लेंगे, छे 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 ऐसा वो अनाउंस करेंगे, आज से सब लोग मास्क पहना है या वैक्सीनेशन लेना है या चापा लेना है, सब लोग हाँ लेंगे लेंगे लेंगे, और सब उसका पीछे पीछे भागे, चलो हम लोग जल्दी जाके लेंगे, इधर 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 दुकान खोला है वो किसी का चाप लेने के लिए, सब सब जगह में खुला रहेंगे, जाके ले लो ले लो, अगर नहीं लेंगे तो आप किधर जा नहीं सकते, जैसा आप ही वैक्सीनेशन नहीं लेगा तो किधर जा नहीं सकते, उधर उस समय ये देना ही पड़ेगा। अगर विश्वासी लोग नहीं लेंगे, यहूदी लोग नहीं लेंगे, सब लोग उसको उनको घृणा करेंगे, कैसा लोग है, हमारा बड़ा लीडर के आवाज को सुनता नहीं है, हाँ ये लोग क्या बोलते हैं ट्रेटर है या बेवफा है, धोखेबाज है, ऐसा लोग विश्वासी लोग को यहूदियों को घृणा करेंगे। हालेलुया। अपन क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं कि ये शैतान का मसीहा है, बोलो सुन ये बहुत अच्छा आदमी है, तो वो ऐसा सारे दुनिया के ऊपर राज करेंगे, भ्रम करेंगे और धोखे में रखेंगे लोगों को। ओके तीसरा हम देखेंगे शैतान का अद्भुत अद्भुतवा, अरे वो हम पढ़ेंगे प्रकाशित 13:3, ऐसा अपने आप को अद्भुत किया। और मैंने उसके सिरों में से ऐसा भारी कितना घाव, सिंह कितना सिंह था, सिरो कितना सिर था? 7, 7 सिर से एक सिर क्या होगा आखिरी सिर, 7वां, वो घायल होंगे, घायल होने के बाद वापस जिंदा हो। ओके हम पढ़ेंगे, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, मानो वो मर गया जैसा। हाँ फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, परंतु अचानक वो देखते कि वो उठ रहा है और बैठा हुआ है, सब ठीक है, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के वाह, पीछे पीछे, सारी पृथ्वी के लोग अजूबा, वाह ये जिंदा हो गया। बस तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्त विरुद्ध, अभी बाइबल टीचर्स जो है वो उनका दो राय है, एक लोग बोलते हैं कि ये जो गाँव लगा और वापस आते हुए वो रोमालिया का साम्राज्य को दर्शाता है, जैसे मैंने बोला रोमालिया साम्राज्य के द्वारा अनेक विश्वासियों को घात किया, पहले जो नेरो, नेरो जो बादशाह था उस समय का रोमाले का, बहुत ही दुष्ट आदमी, क्रिस्त विरोधी का ही प्रतिरूप है, क्योंकि वो क्या करते थे, ऐसा ऐसा विश्वासियों को सताते थे, उसके बगीचा में रात को लाइट नहीं है, विश्वासियों के ऊपर पेट्रोल या केरोसिन डाल के उनको जलाते थे और लटकाते थे, वो लोग लाइट जैसा हर रात शाम को अलग अलग 10-15 लोग को या बहुत सारे लोग को लाइट बना के उनको टॉर्च जैसे जलाते थे, और वो पार्टी, वो लोग सब हंस के खाना खा के पार्टी बनाते थे गार्डन में, और उनका टॉर्च क्या है, विश्वासी लोग को आग में जला के, तो सोचो उस समय ऐसा था,
आने वाला समय क्रिस्त विरोधी कैसा लोगों को सताने वाला है। तो हमको कोई किसी को भी यहाँ पर नहीं रहना है, हमको सिर्फ प्रेम में और प्रभु के काम करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी इधर रैप्चर के बाद इधर नहीं रहना है, हम सबको निकलना है क्योंकि ऐसा दुष्ट आदमी रहेंगे। हालेलुया। तो ये हम देखते कि रोमन राज्य लोग विश्वासी लोग को सताया, बाद में ये रोमन राज्य के बारे में कुछ सुनता ही नहीं, वो पूरा तरह से मर गए रोमन साम्राज्य। पर बाद में जब क्रिस्त विरोधी आते फिर से रोमन राज्य क्या बोलते हैं जागृत होते हैं, उसको बोलते हैं जागृत किया हुआ रोमालिया साम्राज्य। एक बाइबल स्कॉलर्स के ये राय, और दूसरा बाइबल स्कॉलर का राय है कि ये ऐसा है कि घायल किया हुआ, उसका मतलब क्रिस्त विरोधी को कोई उसको शूट करेगा, शॉट करेगा और मर जाएंगे और उसको मीन्स क्या बोलते हैं वो कॉफिन बॉक्स पे रखेंगे और सारा टीवी मीडिया उसको देखता रहेगा। पर अचानक उसको उस पावर आएगी। देखो ये रेजरेक्शन पावर जो है मरा हुआ से जिंदा होना, सिर्फ परमेश्वर को वो सामर्थ्य है और किसी को नहीं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर देखते कि ये बाहर आता है, कफन के बाहर आके इसे खड़ा है। हालेलुया। और सारा मीडिया सारा दुनिया विश्व अजूबा करेंगे, इससे कैसा बाहर आया, ऐसे कैसा जिंदा हो गया, तो मर गया था ऐसा उसको उनको भरमाएंगे और उनको अजूबा। उस सचमुच ये व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है, सच्ची अद्भुत है, और सब उसको सलूट मारेंगे। और हम देखते कि बाद में चौथा में हम आएंगे, ये क्या थर्ड और चौथा में हम देखते कि सब लोग उसका आराधना करेंगे, पूरा विश्व उसका आराधना करेंगे और सब धोखे में आएंगे। अरे आदमी जी उठा, इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा है, ये तो परमेश्वर है, ये परमेश्वर ही होगा। हालेलुया। अभी कोई लोग बोलते हैं कि ये क्रिस्त विरोधी मुस्लिम का मादी बोलते हैं या बारहवा ईमान है, पर कोई लोग बोलते हैं ये पोप है, क्योंकि रोम में कौन राज करता है, रोम में पोप, रोमन कैथोलिक के पोप है ये क्रिस्त विरोधी। देखो मैं भी मेरा जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ है। हालेलुया। हमें बहुत कुछ सिखाया गया है रोमन कैथोलिक के बारे में, मरियम को कैसा पूजा करने का है, कैसा मीन्स यीशु से ज्यादा मरियम के बारे में ही हम ज्यादा जानकारी थे, रोजी बोलते थे। हालेलुया। तो वहां पर पोप रहते, पोप जो बोलेगा वो सही है, कोई भी पोप का विरुद्ध जाएगा उनको श्रापित करते थे, ऐसा बहुत सारे चीज है वो कैथलिक्स में। हालेलुया। तो बहुत लोग बोलते पोप क्रिस्त विरुद्ध रहेंगे। हालेलुया। वो बाद में हमको जानेंगे क्या कौन होने वाला, पर यहाँ पर हम देखते कि ऐसा अजूबा करते कि वो जिंदा उठता है कि वो सब उसका आराधना करेंगे। हालेलुया। सब उसका पीछे जाएंगे। हालेलुया। और वो खुद बोलेंगे मेरा आराधना करो, सब मेरा सामने झुको। परंतु यहूदी लोग विश्वासी लोग उसका आराधना नहीं करेंगे, वो लोग भाग जाएंगे। हालेलुया। और वो लोग छुप जाएंगे, किधर किधर जाके छिपेंगे। और परमेश्वर यहूदी लोग को पेट्रा नामक एक जगह में जाके उनको छिपाएंगे, उनको सब परवरिश करेंगे, खाना खिलाएंगे और पर्वत की ओर वो लोग जाएंगे। पीछे बात जो आपने देखा, अब ये व्यक्ति जैसे मैं बोला उसको आराधना चाहिए, जैसे वो बोले यीशु का आराधना होता है, मैं भी शैतान का पुत्र है, मेरा भी आराधना होना चाहिए। वो मसीह की तरह वो देखो क्रिस्त विरोधी का मतलब मीन्स मसीह के जगह में क्रिस्त विरोधी आता है, इन द इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट। जैसा मसीह है उसको वो सब चाहिए, उसको आराधना चाहिए, सब कुछ मेरा नियंत्रण में चलना चाहिए। हालेलुया। तो ये पूरा विश्व पर लोग उसका आराधना करेंगे। वही है प्रकाशित वाक्य 13:4 पढ़ेंगे और 8 भी पढ़ेंगे। चार, और उन्होंने कौन, उन्होंने शैतान ने अजगर की पूजा की। उन्होंने उसका मतलब है सारे विश्व के लोग किसके पूजा की, अजगर। अजगर कौन है, शैतान। हालेलुया। क्योंकि उसने पशु को ने क्रिस्त विरोधी को अपना अधिकार दे दिया, अपना अधिकार दिया। तो क्रिस्त विरोधी क्या बोलेगा, ए सब लोग आओ यहाँ पर शैतान का प्रतिमा रखे, सब उसके सामने दंडवत करो। तो सबको उसके सामने दंडवत करना पड़ेगा। और यह कहकर पशु की पूजा की, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है। हाँ, और क्या बोलते, वाह क्रिस्त विरोधी कैसा आदमी है, वाह उसको सब प्रॉब्लम का आंसर है, ऐसे जैसे कोई नहीं, ये मसीहा है, ये हीरो है, इसका जैसा और कोई नहीं है, कोई इसके विरुद्ध वार नहीं कर सकता है, ऐसा बड़ा आदमी है। आगे, और उन्होंने
और पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं है, हाँ जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं है। देखो उत्पत्ति के पहले ही हमारा नाम मेमने के पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु जानते हो उसका परमेश्वर का कौन है। हालेलुया, प्रभु ने हमें चुन लिया था उत्पत्ति होने के पहले, तभी हमारा नाम लिखा था। और बहुत सारे लोग के नाम लिखा नहीं है, तो यहाँ पर लिखे जिसके नाम लिखा नहीं है वो क्या होगा, वो किसी विधि के पार्टी में नहीं है। कितना बड़ा बात है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बात है कि प्रभु ने आप और हमें चुन लिया, उसके जीवन के पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, शायद आपका नाम किसी का पार्टी का लिस्ट में नहीं है, नहीं तो किसी का शादी के लिए बुलाता नहीं आपको, सब रिश्तेदार आपको घृणा करते हैं, आपके विरुद्ध बातें करता है। हालेलुया, आपके ऑफिस में आपको कभी आपको पार्टी में किधर बुलाता नहीं है, आपका नाम प्रमोशन में नहीं आता है, आपका नाम लंदन के बुक में भी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री आपको नहीं जानते, कोई बात नहीं, हाँ ये सब मामूली बात है। परंतु अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो सबसे बड़ा घृणा वाला बात है, क्योंकि आपका नाम यीशु के जीवन के पुस्तक प्रेमना के जीवन पुस्तक में लिखा है, आप स्वर्ग का वासी है, आप स्वर्ग का ठिकाना लेकर बैठा है। कितना बड़ा बात है, कितने कभी भी कोई लोग बोलते हैं इतना साल यीशु में आया क्या मिला, ऐसे ही चल रहा है कुछ नहीं मिला। अरे आप क्या बोल रहे हो, आप जानता है आपको स्वर्ग मिला है। अनेक लोग जो जीवन के पुस्तक में उसका नाम नहीं है वो किधर जाएंगे, नरक के आग में जाएंगे, आग के जीव में जलेंगे, अनंत काल ही जलेंगे। और आप और हम चाहे कुछ मिले या ना मिले, हम तो मिलने वाला है, पर अगर नहीं मिलेगा तो भी हम बताते कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में निवास करेंगे करोड़ों करोड़ों अनंत काल तक। कितना बड़ा बात है, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, क्यों आप रूठ कर वापस जाना चाहते हैं दुनिया में, क्यों आप रूठ कर परमेश्वर से दूर चला जा रहे हैं। यीशु में बने रहो, आप स्वर्ग का वासी है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा है, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ है, घात कौन घात हुआ था, जब मेमना यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वो अभी मेरा लोग पाप किया अभी मैं क्या करूं, सडनली एक दिन पिता ने बोला चलो यीशु को घात करेंगे, नहीं, यीशु का घात यीशु का कत्ल आपके पापों के लिए पहले से ही हुआ था। जब आपका आपको चुन लिया था तभी परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया, कि परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है, वो जान रहा था कि शैतान आएंगे उनको फंसाएंगे पाप में, और जिसका वजह से किसी का खून बहाना है, क्योंकि पाप का वेतन है मृत्यु, इसे आपने यीशु मसीह को अपने पुत्र को भेजा हमारे कत्ल होने के लिए और मेमना बनने के लिए। तो ये मेमना का कत्ल या लहू बहाना अभी नहीं हुआ है, या 2000 वर्ष पहले नहीं हुआ, 6000 वर्ष पहला उत्पत्ति होने के पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऑलरेडी दे चुका था, वो कत्ल किया था, उसके लहू बहाया था हमारे पापों के लिए। कितना अद्भुत बात है, हालेलुया, यस। आगे उस पशु की पूजा करेंगे, हाँ जिसके नाम जीवन के पुस्तक नहीं है, उसका मतलब है विश्वासी के अलावा, यहूदी के अलावा, जितने लोग के नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा है वो सब क्या होगा, वो सब शैतान या क्रिस्त विरोधी का पूजा करेंगे। तो ये है पूजा, आमेन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चौथा जो है शैतान का पूजा कर, क्रिस्त विरोधी का इवन शैतान का पूजा कर। ओके, अभी हम आते हैं पांचवा, पांचवा में क्या है, अभी हम देखिए कैसा क्रिस्त विरोधी मुंह से शैतान ये परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे प्रकाशित 13:5-6, कौन उससे लड़ सकता है, कौन वो शैतान से क्रिस्त विरोधी से लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए अपना मुंह बोलते हैं क्रिस्त विरोधी और निंदा करते हैं, ऐसे से गाली देता है, किसके ऊपर गाली देता है, पढ़ेंगे वचन में किसके ऊपर निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, हाँ उसका मुंह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार, 42 महीने के मतलब 3.5 साल, जो शेष 7 साल का शेष भाग 3.5 साल ये क्रिस्त विरोधी अपने घर में या सबके सामने परमेश्वर का निंदा करे, ये परमेश्वर कौन है, यीशु ये कौन है, कैसा आदमी है, निंदा करते जाएंगे निंदा करते जाएंगे। हालेलुया, और उसने परमेश्वर की निंदा करनी, परमेश्वर निंदा बोला उसके नाम के विरुद्ध, तंबू
उसके तंबू के विरुद्ध, स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। ये स्वर्ग के रहने वाला कौन है? हम सब जो रैप्चर्स में चले जाएंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, हमारे विरुद्ध ऊपर है। हाँ, बड़ा है लोग रैप्चर्स में गया, वो क्या बोलेंगे सबको? ये लोग जो रैप्चर में गए ना, अच्छा हो गया ये लोग निकल गया, ये लोग सब दुष्ट लोग थे, ये लोग आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, इससे इन लोगों को न्याय आया, उनको सबको लेके गया, एलियन ने आके लेके गया। ऐसा वो लोगों का मन को घुमा फिराएंगे कि जितने लोग अभी तक गए ना, ये लोग अच्छे हो गए, ये लोग दुष्ट लोग थे, निकल गया ये लोग, तो विरोधी जो भी है, जो हमारा विरोध है ना, लोग सब निकल गया, ऐसा बोल के उन लोग का निंदा करेंगे। परमेश्वर का भी निंदा करेंगे, जो हम राक्षस में गया वो सारे विश्वास का भी निंदा करें। और ओके, तो ये है कैसा क्रिस्त विरोधी लोगों को निंदा, परमेश्वर और लोगों को भी निंदा करेंगे। आखिरी में चटवा में हम आएंगे कैसा क्रिस्त विरोधी युद्ध करने वाला, लड़ने वाला है, वॉरफेयर ऑफ एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी का युद्ध। किसके साथ युद्ध करेंगे आप समझ सकते हैं? यस, आप सबको मालूम पड़ा रहेगा किसके साथ युद्ध करेंगे। अपने लोग के साथ नहीं, जिसका नाम पुस्तक में नहीं लिखा है उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, वो विश्वासी और यहूदी लोग के विरुद्ध वो वार करेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 13:7-10। और उसे यह अधिकार दिया गया, और क्रिस्त विरोधी को यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग कौन है? आप और हम, या तभी हमने रहेंगे वो है संत। यहाँ पर लिखा नहीं कलीसिया से लड़े, यहाँ पर पवित्र लोग संत, जो क्लेश का संत बोला जाता है। सर कलीसिया नहीं रहेगा, ये क्लेश के संत है, मींस क्लेश राक्षस के बाद कितने लोग यीशु को ग्रहण करेंगे या कितने लोग यहाँ पर रह गया है और यीशु के लिए जीना चाहता है, वो सबके ऊपर शैतान भी क्या करेंगे, उनके ऊपर लड़ेंगे। क्योंकि यही तो अजगर चाहता था, अजगर क्या चाहता था कि शेष संतान के ऊपर वार करे, इसलिए वो बालू के ऊपर इंतजार कर रहा था तभी आएंगे ये क्रिस्त विरोधी और इस पशु को, इसके द्वारा एक संतों को, ये संतान को, स्त्री के संतान को सबको मार डालेंगे। अभी मौका पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए, उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, हर एक कुल और लोग और भाषा, भाषा जाति पर, जाति पर अधिकार दिया, सारे दुनिया के ऊपर अधिकार दिया। यस, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी पे सब रहने वाले नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गए, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, ओके, उस पशु की पूजा करेंगे, पशु की पूजा करेंगे। यस, जिसके कान हो वो सुने, जिसका कान हो वो सुने। क्या सुनने को बोले परमेश्वर? कुछ तो ज्ञान बोले, ध्यान लगाने के लिए इस बातों में, क्या ध्यान लगाने के हमको? जिसको कैद में पड़ना है, जिसको कैद में पड़ना है, वो कैद में पड़ेगा, कैद में जाएगा, जो तलवार से मारेगा, वो तलवार से मारना है, अवश्य है, अवश्य है कि वो तलवार से ही मारा जाएगा, मारा जाएगा। पवित्र लोगों को, पवित्र लोगों को धीरज। अभी समय ऐसा है कि सारे संत, जितने क्लेश का संत है, उस विश्वासी है, यहूदी लोग है, उसको क्या दो चीज चाहिए? तभी उस समय धीरज और विश्वास, विश्वास इसी में है, इसी में। हालेलुया, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे मैंने पहला 3.5 साल, जैसे मैंने वो शांति शांति बोल के वो घोड़े में आ रहे, जैसे चटवा सिक्का, पहला सिक्का खुल जाता है और बीच में वो घृणित चीज कहते हैं, उसका मतलब वो मंदिर में, यहूदी का मंदिर में जाके बोलते मैं परमेश्वर सब मेरे आराधना करो, तो यहूदी लोग विश्वास लोग नहीं करते, इसे एक थी दो, आई थिंक हाँ दो तिहाई यहूदी लोग को मार डालेंगे, और जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उनको भी शैतान मार डालेंगे। हालेलुया, तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि वो शेष 3.5 साल शैतान का या क्रिस्त विरोधी का क्रोध भड़कने वाला है। हालेलुया, और परमेश्वर का भी क्रोध आएंगे अविश्वासी के ऊपर, और शैतान का क्रोध या क्रिस्त विरोधी का क्रोध आएंगे विश्वासी के ऊपर और यहूदी के ऊपर। हालेलुया, उस वो क्या करेंगे? उनको कत्ल करेंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो यीशु का पूजा करते हैं, यीशु को स्वीकार किया है, उनको एक चुनाव लेना पड़ेगा। आइदर आप शैतान या पशु या क्रिस्त विरोधी का पूजा करो, या वो लोग आपको मार डाले, उनको बोलना पड़ेगा। हाँ, बहुत सताएंगे उनको, ताकि वो क्रिस्त विरोधी की पूजा करने के लिए एक एक को कमरे में लेके जाएंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे, उनको सताएंगे, शायद हाथ काटेंगे, उंगली काटेंगे, उसको इतना सताएंगे कि वो लोग बोले हाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, हम क्रिस्त विरोधी का पूजा करेंगे। और जितने लोग क्रिस्त विरोधी का पूजा करेंगे या उसका चाप लेंगे, वो सब आपके जीव में जाएंगे। तो इससे प्रभु बोलते सबर कर,
हालेलुया, हर एक संतों को क्या रहना है, उनको धीरज और विश्वास योग्य रहना है, विश्वास से भरना है। तो हार मत मानो, अगर कोई भी रह गया यहाँ पर, तभी भी क्रिस्त विरोधी का चाप नहीं लेने का है, दूसरा क्रिस्त विरोधी का पूजा कभी नहीं करो, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का खिलाफ है। ओके, आगे वापस क्या लिखा है, प्रकाशित 13:10 में क्या लिखा था कि ये प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, कि हर एक हमने जो लोग रहने वाले हैं, जो यीशु को स्वीकार करने वाले हैं, या क्लेश का सन जो बोलते हैं, उनको प्रभु क्या बोलते हैं, तुम धीरज रखो, विश्वास तामे रखो, हार मत मानो। हालेलुया, आप किसी का चाप मत लो, उसका पूजा मत कर, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा विश्वास रखो। हालेलुया, जब धीरज विश्वास रखे आप मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, अगर वो मार डाले मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, गला भी दे दो, परंतु तुम यीशु के विरुद्ध मत जाओ, क्रिस्त विरुद्ध का पूजा मत करो। हालेलुया, तो जो कैद में जाएंगे वो कैद में होने वाला है, प्रभु ये होने वाला है, जितने लोग यहाँ पर रहने वाला है रैप्चर के बाद, ये होने वाला है, क्या होने वाला है, वो कैद होगा, दूसरा उनको मार डालेंगे, सताए जाएंगे, मार डालेंगे, और शैतान ऐसा करेंगे, सब जगह टेक्नोलॉजी करेंगे, सब जगह उनको ढूंढेंगे, ढूंढ ढूंढ के एक एक कोने में जाके ढूंढेंगे, सब जगह पुलिस देंगे और चेक करेंगे किसके घर में किस विश्वासी लोग है, पहाड़ के ऊपर किधर भी जाओ, सब जगह ढूंढ के ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर आएंगे, उनको ढूंढ के लेके आएंगे और एग्जीक्यूशन चेम्बर में लेके जाएंगे, उनको मार डालेंगे। अल्ले, जिसको कैद होने का वो कैद होगा, जिसका मार डालना उनको तलवार से मारा डालेंगे। इसे हर एक विश्वासी को धीरज और विश्वास चाहिए। अगर आप अभी सताए जा रहे हैं, हालेलुया, अभी तक रैप्चर नहीं आया पर आप सताए गए, शैतान चाहते हैं कि आपके विश्वास को तोड़ने के, पर प्रभु कहते हैं आपका विश्वास को मत तोड़, मैं तेरे साथ हूँ, संसार के साथ अंत में अंत तक साथ देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आपका साथ है, देखो मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं त्याग करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग कुछ भी बोलने दो, क्रिश्चियन बन गया, बपतिस्मा मत लो, ओ उधर मीटिंग में मत हो, क्या तुम क्रिश्चियन बन गया, हमारा 33 कोटी को छोड़ के तुम क्रिश्चियन बन गया, ये लोग जितना वो लोग निंदा करें, वो लोग एक दिन उनका निंदा होंगे, वो लोग सब मिट जाएंगे, वो लोग सब नर के आदमी जाएंगे, पर आप शिरोमणि बनकर प्रभु आपके ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट देंगे। सिर्फ आज मत मानो, ये मत बोलो मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये बोलो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या नहीं किया है, मुझे स्वर्ग दिया है, आशीष दिया है, बरकत दिया है, आनंद से प्रभु ने मुझे भर दिया है, हर क्लेश पे थामे रहो यीशु को, अपने धीरज और विश्वास को थामे रहो। ऐसे पौलुस की तरह हम कह सकता है, हाँ मैंने अच्छे कुश्ती लड़ाई किया, मैंने अपने धीरज को रखा रखवाला किया, अब मेरे लिए वो मुकुट रखा है। हालेलुया, इसे यीशु मसीह भी हमसे क्या करते हैं, कहता है मत्ती पढ़ेंगे 24:9, यीशु क्या बोलते हैं हमें उसके बाद, तब भी क्लेश दिलाने के लिए, हाँ जब था उस समय क्लेश के समय, तब भी क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे घृणा रखेंगे, बैर रखेंगे, क्यों आपके रिश्तेदार आपके ऊपर बैर रखते हैं, क्यों आपका बदनामी करते हैं, क्यों ऑफिस के लोग आपका निंदा करते हैं, हालेलुया, क्यों आपको माता पिता भी आपको त्याग करते हैं, ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि आप यीशु के लिए खड़ा है, कोई बात नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह एक दिन आपको सबके सामने उठाएंगे, अभी जितना भी निंदा से गुजरना है कोई बात नहीं, खड़ा रहो, झेल लो विश्वास पर रखवाला करो, धीरज से पकड़े जाओ, धीरज से रहो, प्रभु आपके साथ है, मौत तक भी विश्वास योग्य रहो, मरने तक भी विश्वास योग्य रहो। और आगे मत्ती 24 का एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:28, यस, प्रभु यीशु क्या कहते हैं आपसे, जो शरीर को घात करते हैं आत्मा को घात नहीं कर सकता, उससे मत डरना, ओ इस लोग से, क्रिस्ट विरोध से मत डरना, आपके रिश्तेदार से, माता पिता, कोई भी जो आपके विरुद्ध जाते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, परमेश्वर से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया, इससे डरो, हालेलुया, कोई लोग बोलते हैं बपतिस्मा मत लो, अरे शादी कैसा होएगा, कैसा हम किधर दफनाएंगे, अरे ये नहीं जानते परमेश्वर क्या किया तेरे लिए, आप क्यों रोक रहे अपने बच्चों को,
बपतिस्मा लेने से, क्यों अपने आप को रोक रहे हैं? बपतिस्मा लो, यीशु से एक हो जाओ, यीशु के लिए खड़ा रहो, एक दिन आपके पुरस्कार आपके प्रतीक्षा कर प्रतीज्ञा आपके इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और एक और डैनियल का साथ भी वो पढ़ेंगे। डैनियल तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों कसदियों और हुनहार बताने वालों को हाजिर करने वाली की आज्ञा दी। ओके, जब बाबुल के पीड़ित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। ओके, आई थिंक वो वचन गलत लिखा, कोई बात नहीं, पर प्लीज आपका धीरज मत कोने दो, आपका विश्वास और रखवाला करो। प्रभु आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छी चीज आपके लगता है, जितने लोग बपतिस्मा ले रहे प्रभु आपको आशीष करे। अल्लाह धीरज रखो और प्रभु अनेक लोग यीशु में लेके आओ। तब जैसे हमने अभी क्या सीखा, कृष्ण वो पशु जो 7 सर और 10 सिंह और 10 मुकुट, कौन था वो? शैतान, कृष्ण विरोधी। और अजगर कौन है? शैतान। शैतान अजगर उस कृष्ण विरोधी को बुला रहे किसके लिए? विश्वासी लोग यहूदियों को सताने के लिए और मार डालने के लिए। और कृष्ण विरोधी का चीज हमने क्या सीखा, पहला उसका दुष्टता का बारे में सीखा, कैसा दुष्ट व्यक्ति है वो व्यक्ति, किसके ऊपर हमदर्दी या तरस नहीं है। हमारे यीशु पूरा तरस और प्रेम से भरा है हमारे लिए। दूसरा क्या देखा हमने, वो सारे विश्व को प्रभुत्व करने वाले किसके लिए? अपने खुदकर्षी के लिए। पर यीशु मसीह सारे विश्व के ऊपर इसके राज करते कि आपको उधार देने के लिए। अरे तीसरा हमने क्या देखा कि वो जो कुछ किया अद्भुत अजूबा सब किया, वो फिर से जिंदा हो गया क्योंकि वो अपने और लोगों की इच्छा है। यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया क्योंकि हमें बचाने के लिए। हालेलुया। और वह आगे हम देखते हैं कि वो सब उसके आराधना करते हैं क्योंकि वो ऐसे से धोखा में उनको लेके गया। और हमारे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है, तो हम उसका आराधना दिन रात करना है। और हम देखते कि कृष्ण हर वक्त सबका निंदा करते ही जाएंगे, सबका दोष करते जाएंगे। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह हमको संवारता है, उठाते हैं और हमारे दिन रात मध्यस्थ करता है। और आखिरी हम देखते कि यस क्रिस्त विरोधी सारे विश्वासी के ऊपर युद्ध करेंगे, पर हमारे यीशु मसीह युद्ध ने हमसे वो प्रेम करते हैं, हमारे लिए वो इंतजार करे एक दिन हमको लेके जाने के लिए। हालेलुया। इसे यीशु मसीह की जय हो। अब एक मूवी क्लिप देखेंगे इस प्रकार से 13:1-10। फिर मैंने सागर में से एक पशु को बाहर आते देखा, उसके 10 सींग थे और 7 सिर तथा अपने सींगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे, उसके सिरों पर दुष्ट नाम अंकित थे। मैंने जो पशु देखा था वह चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुख सिंह के मुख के समान था। उस विशाल काय अजगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया। मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो, किंतु उसका वह घातक घाव भर चुका था। समूचा संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया तथा वे उस विशाल काय अजगर को पूजने लगे, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया था। वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे, इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके? उसे अनुमति दे दी गई कि वह अहंकार पूर्ण तथा निंदा से भरे शब्द बोलने में अपने मुख का प्रयोग करे। उसे 42 महीने तक अपनी शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया, सो उसने परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया। वह परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी निंदा करने लगा, परमेश्वर के संत जनों के साथ युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति उसे दे दी गई तथा हर वंश हर जाति
हर परिवार समूह, हर भाषा और हर देश पर उसे अधिकार दिया गया। धरती के वे सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में संसार के आरंभ से ही नहीं लिखे, जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है। यदि किसी के कान हैं तो वह सुने। बंदी गृह में बंदी होना जिसकी नियति बनी है वह निश्चय ही बंदी होगा। यदि कोई तलवार से मारेगा तो वह भी उसी ही तलवार से मारा जाएगा। इसी में तो परमेश्वर के संत जनों से धैर्यपूर्ण सहनशीलता और विश्वास की अपेक्षा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन हमें समस्या की आप समझ गए और प्रभु के पीछे चलो, हार मत मानो, आगे चले। इस वचन से आप सबको प्रभु आशीष।